हाय फ्रेंड्स, चलिए आइए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हमें स्ट्रेस स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन अपने पास दिया है, ए बार 500 mm लॉन्ग एंड 22 mm इन डायमीटर इज एलोंगेटेड बाय 1.2 mm एंड द एक्चुअल पुल इज ऑफ 105 kN। कैलकुलेट स्ट्रेस स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बार। तो फिर यहाँ से जो हमें गिवन दिया है वो है लेंथ 500 mm और डायमीटर दिया है d इक्वल्स टू 22 mm और हमें क्या दिया है इज इलोंगेटेड बाय 1.2 mm, मतलब कि दो l दिया है हमारे पास 1.2 mm और यहाँ पर दिया है एक्चुअल पुल इज 105 kN, मतलब p दिया है 105 kN है, तो उसको न्यूटन में करना पड़ेगा इंटू 10 रेस टू 3 न्यूटन। ठीक है, अब इसके लिए हमें स्ट्रेस स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है। स्ट्रेस होता है अपना सिग्मा, स्ट्रेन होता है अपना स्मॉल ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है अपना कैपिटल ई, या फिर इसको यंग्स मॉडुलस भी कहा जाता है। चलिए सबसे पहले हम स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि हमें उसी वे में जाना है क्योंकि नेक्स्ट के लिए हमें वो काम में आता है। तो फिर सबसे पहले स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा इक्वल्स टू पी बाय ए। तो यहाँ से सी हमारे पास गिवन है 105 इंटू 10 रेस टू 3 अपॉन एरिया, एरिया का फॉर्मूला है 5/4 डी स्क्वायर, तो डी हमें दिया है 22। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया, एरिया का फॉर्मूला है 5/4 डी स्क्वायर, तो फिर डी हमारे पास गिवन है 22। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू निकल के आएगी 276.21 और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका सिग्मा, यहाँ पर लिख देते हम 276.21 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब आता है स्ट्रेन के लिए, तो स्ट्रेन का हमारे पास दो फॉर्मूला है, तो उसमें से हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे 2L अपॉन L वाला, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला भी अपने पास फॉर्मूला है जिसमें ये होता है कैपिटल E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन स्मॉल E, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है अवेलेबल क्योंकि वो ही हमें कैलकुलेट करने को बोला है। तो अपन अभी फिलहाल ये वाला फॉर्मूला लेंगे जिसमें हमारे पास 2L भी गिवन है और L भी गिवन है, तो सिंपली हमारा E निकल जाएगा, तो E इक्वल्स टू 2L 1.2 अपॉन L दिया है 500, 1.2 अपॉन 500 करेंगे तो आपको इसका आंसर आएगा E इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10 रेस टू -3। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेन, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता इसलिए वहां पर यूनिट नहीं आएगा 2.4 इंटू 10 रेस टू -3। अब आता है अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस भी है और स्ट्रेन भी है, तो फिर सिंपली हमारा आसानी से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल जाएगा। सिग्मा 276.21 है और E जो कि स्ट्रेन 2.4 इंटू 10 रेस टू -3 है। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैपिटल E की वैल्यू आएगी 11508.75 और इसका जो यूनिट होगा यंग्स मॉडुलस का वो होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस, यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे 11508.75 और यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। That's all
थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।